दोस्तों Realme के तरफ से फिर से एक नया फोन जो है वो इंडिया के अंदर में लॉन्च करने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ Realme 70X 5G स्मार्टफोन के बारे में, जो कि बहुत ही बस 2 से 4 दिन के अंदर में आपको देखने को ही ये फोन यहाँ पे मिल जाएगी। Amazon पे इसका जो है वो सेल वगैरह आने वाली है। तो अगर आप इसकी बैक पैनल वगैरह देखोगे तो बैक पैनल आप देख ही सकते हैं, जो भी फोन अभी आ रहे हैं सेम वैसा ही है, प्लास्टिक का पैक दिया गया है, देखने में काफी अच्छा है। कैमरा मॉड्यूल भी आपको बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाएगी। मेन कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल मिलेगी और दूसरा जो है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, और उसके बाद आपको उसी के अंदर में जो है वो लाइटिंग वगैरह भी मिल जाएगी, मतलब मैं फ्लैश लाइट की बात कर रहा हूं। तो देखा जाए तो बहुत बढ़िया सेटअप दिया गया है बैक कैमरा। फ्रंट कैमरा में भी आपको 16 मेगापिक्सल्स देखने को मिल जाएगी। तो यू तो अब तो आने के बाद ही पता चलेगी कि इस फोन के अंदर में रिकॉर्ड वगैरह कैसा कर सकते हैं, पिक्चर्स वगैरह कैसा ले सकते हैं। लेकिन अगर बात कर लेते हैं डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया दिया गया है। डिस्प्ले जो है इस फोन के अंदर में वो IPS LCD डिस्प्ले मिलने वाली है, अभी तक ऐसा अनुमान हो रही है। 6.67 इंच का 120Hz रिफ्रेश रेट भी आएगी, पंच होल डिस्प्ले आएगी। तो देखा जाए तो ये जो फोन है आपको देखने में महंगे फोन और सस्ते फोन को कोई फर्क नहीं कर पाएगा, मतलब ऐसा इसका जो है वो ढांचा बनाया गया है, देखने में काफी बेहतरीन लगने वाली है। और वीडियो क्वालिटी वगैरह भी आपको बहुत ही, अगर फुल HD डिस्प्ले होगी तो कितना कमाल का हो सकता है ये आप लोग भी अंदाजा लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इसमें स्टोरेज आपको 2-3 वेरियंट मिल जाएगी, 6GB 8GB एंड 12GB तो नहीं, बट 6GB एंड 8GB दो वेरिएंट आपको मिल जाएगी। LPDDR4X रैम मिल जाएगा, UFS 2.2 मिल जाएगा, बैटरी भी आपको 5000mAh देखने को मिल जाएगी, और साथ में 45 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बैटरी भी बहुत बड़ा दिया गया है। साथ में इस फोन के अंदर में आपको एटमोस डॉल्बी साउंड मतलब स्टूडियो स्पीकर्स भी देखने को मिल जाएगी, तो है ना ये कमाल की बात, बहुत ही कमाल का। और ये 12000 से नीचे में आ रही है और क्या चाहिए, मतलब समझ सकते हैं कि। और इस फोन के अंदर में सबसे बड़ी जो बात होती है वो होती है किसी फोन के लिए परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस भी भैया इसमें जो मिलने वाली है आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100+ जो कि 6nm पे बेस्ड है। तो आप गेमर वगैरह है तो 40fps में तो आराम से गेमिंग वगैरह BGMI जैसे को तो खेल ही सकते हैं। तो चिपसेट इतना अच्छा पावरफुल दिया गया है, तो ये बहुत ही, मुझे बेसिकली बहुत ही ज्यादा अच्छी लगने वाली। अब हो सकता है कि इस फोन के अंदर में आपको 10999 या फिर 11999 इसमें मतलब दो वेरिएंट आपको मिलेगी, तो आप समझ सकते हैं। बाकी और इस फोन के अंदर में जो भी छोटे मोटे फीचर्स है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट्स हो जाएंगे, उसके बाद आपको 3.5mm का जैक मिल जाएगा। आप चाहते हैं कि माइक्रो USB कार्ड वगैरह जो भी होती है, SD कार्ड वगैरह वो आप लगा सकते हैं, तो वो भी आप अलग से लगा सकते हैं। तो इतना कुछ मिलने वाली है। बाकी आप लोग देख ही सकते हैं कि इसका जो कलर्स वगैरह है व्हाइट में अभी तो फिलहाल निकल करके आई है, स्पेसिफिकेशंस की इस टाइप की आएगी। तो देखा जाए तो ये जो फोन है 5G स्मार्टफोन और बजट फोन है, जो कि नॉर्मली यूज के लिए आप इसे ले सकते हैं, और ये बहुत ही प्यारा सा लुक के साथ आने वाली है, जो कि अब आती है तो ही पता चलेगी। बाकी अभी जो भी निकल करके आई थी वो चीज मैं आप लोग को बताया हूं, और आप लोग को कैसी लगी वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा। क्या आप भी मेरी तरह इस फोन का वेट कर रहे हैं? अगर वेट कर रहे हैं तो जरूर कमेंट करें, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि वो फोन आती है तो सबसे पहले आपको ये वीडियोस भी आपको मिल जाएगी कि उस फोन के अंदर में रियलिटी में क्या कुछ दिया गया है। बाकी यही थी वीडियोस, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए घर में रहिए, सेफ रहिए, टेक केयर एंड गुड बाय।